शासन मिले, बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। आभास है, विश्वास है, जन जन में मन की आस है, अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ है, हम दिल की सुनकर निकले हैं, इस देश ने दिया आवाज है। वीरवार को हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा दूसरे चरण में शुरू की गई, जिसको लेकर कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा, प्रदेश कार्यकारी समिति सदस्य व लोकसभा प्रभारी रामकिशन गुज्जर, विधायक प्रदीप चौधरी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश महासचिव महिला कांग्रेस पवन कुमारी शर्मा भारी संख्या में पिंजौर कालका से महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ यात्रा के स्वागत के लिए पहुंची। पवन कुमारी शर्मा ने बताया कि यूपी से हरियाणा में यह यात्रा वीरवार को प्रवेश की गई, जिसका स्वागत सनोली रोड पर किया गया। उन्होंने बताया कि इसके बाद शुक्रवार को राहुल गांधी द्वारा पानीपत में विशाल रैली के दौरान लाखों की तादाद में लोगों को संबोधित किया गया और लाखों की संख्या में लोग इस रैली में उत्साह पूर्वक शामिल हुए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश भर में चलाई जा रही भारत जोड़ो यात्रा लोगों को उनके हितों के लिए जागरूक करने और देश में उत्पन्न सामाजिक असंतुलन के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली जा रही है, और कहा कि आने वाली 10 तारीख को यह यात्रा अंबाला लोकसभा में पहुंचेगी, जहां यात्रा का बढ़ चढ़कर स्वागत किया जाएगा।